चलिए देखिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आप लेकिन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए साथ में। देखिए इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, गौतम क्या हो गया? हाँ आप बुक खोल सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज चल रही है। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई, ठीक है। ये देखना दिखाई दे रहा है सभी को? यस। चलो यहां पर इसका फिगर क्योंकि दे रखा है तो मैं फिगर भी बना लेता हूं। फिगर आप बना लीजिएगा साथ साथ, ए जी एफ बी सी ई डी, ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ फिगर बना लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नोट करना है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। मेहुल AB पैरेलल टू CD, हमको बोला हुआ है कि AB जो है वो CD के पैरेलल, बेटा ये पैरेलल का साइन होता है। यस सर। बना लिया। गौतम EF परपेंडिकुलर टू CD, जो आप देख रहे हैं ये EF CD पर परपेंडिकुलर है तो हमने यहाँ पे 90 बनाया, क्या हमें यहाँ भी एक 90 बना लेना चाहिए, यहाँ भी 90 बनाना चाहिए? यस सर। भाई क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल है तो यहाँ पे अगर ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो पक्की बात है ये भी 90 होगा। yes, चाहे आप को इंटीरियर से ले लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ले लो, किसी से भी ले लो, ठीक है। ओके अब हमको एंगल जी ई डी बोला है बच्चों, ये पूरा एंगल बोला है इन्होंने 126 डिग्री। आपको निकालना कौन सा है, एंगल ए जी ई। ए जी ई का मतलब क्या है, ये वाला है, ठीक है। मैं सबसे पहले करण से पूछना चाहूंगा कि बेटा करण एंगल ए जी ई कितना होगा, करण बताएगा सिर्फ और कोई नहीं बोलेगा, करण एंगल ए जी ई, पहले करण को बताने। सर वो होगा मेहुल 126 डिग्री। रीजन रीजन बताएंगे पीछे अंतिमा। वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर। देखिए कल आपकी एक छोटी सी मिस्टेक हो रही थी अल्टरनेट लगाने में। yes, आप आधे अधूरे एंगल में भी अल्टरनेट लगाए थे, आज बिल्कुल क्लियर हो रहा है अल्टरनेट में, मना नहीं करूंगा क्योंकि ये तो लाइन और ये ट्रांसवर्सल, लाइन से ट्रांसवर्सल क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है पूरी कर्व। लाइन से ट्रांसवर्सल क्या हो रही है, पूरी कनेक्ट हो रही है, तो बेटा इसका मतलब ये अल्टरनेट है। कल आप आधा अधूरा एंगल ले रहे थे लाइक दिस, जैसे ये यहां से, अब ये देखने में लग रहा है अल्टरनेट, अल्टरनेट लेकिन है नहीं है। क्यों आयुष, ये अल्टरनेट है नहीं है क्योंकि ये लाइन इन यहां से ट्रांसवर्सल से तो चालू हुआ लेकिन पूरी लाइन तक खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए पहला एंगल बिल्कुल सही यहाँ पे पहचाना है सभी ने, तो हम यहाँ पे लिखने का तरीका जो है सबको मैंने बताया था वो मस्ट है, वो अच्छे से आपको लिखना है बेटा। पहले पैरेलल रेज के बारे में लिखना होता है, लाइंस के बारे में लिखना होता है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बच्चों ये ट्रांसवर्सल है जिसका नाम है जीई, एंड जीई इज अ ट्रांसवर्सल, बेटा ये ट्रांसवर्सल है। अब क्या होगा, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, एंगल का पूरा नाम लिखेंगे आप, एंगल ए जीई इज इक्वल टू एंगल जीई डी, ठीक है। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे हम एंगल ए जी ई का ए जी ई लिखेंगे लेकिन जी ई डी हमको कितना दिया है, 126 डिग्री। ये इस पे हम एक मिनट, ए जी ई, ठीक है, ए जी ई मैंने कहा था, इस पे क्या बना देंगे आप, बॉक्स, ये आपका आंसर।
ठीक। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो चाहे तो पहले लिखने से पहले समझ लीजिए, लिखने का तो पूरा टाइम मैं आपको दूंगा ही, बाद में लिख लीजिएगा दीपेश एंड ऑल जो भी लिख रहे हैं बाद में लिख लेना, समझ लो पहले। एंगल जी ई एफ, दीपेश जी ई एफ, बेटा सिर्फ इतने एंगल की बात हो रही है, सिर्फ इतने जी ई एफ, तो बताओ ये एंगल कैसे हम निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल 126, गुड। लेकिन एंगल एफ ई डी यहां से कितना है? एंगल एफ ई डी 90, तो 90 पुट कर देंगे तो बाकी का हमारा ही निकल आएगा। सही है बच्चों? बिल्कुल सही है। देखो बेटा हमको ये वाला एंगल निकालना है जी ई एफ, इतना सिर्फ, लेकिन हमको कंप्लीट एंगल ये कितना दे रखा है 126। हम यहां से लिख सकते हैं, एक बात बताना देख करके यहां पे फिगर में, हमको निकालना कौन सा है एंगल जी ई एफ। बेटा ये एंगल जी ई एफ इतना निकलेगा अगर मैं पूरे एंगल जी ई डी में से क्या माइनस कर दूं, एंगल एफ ई डी को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो निकल आएगा। और बच्चों ये जी ई एफ तो एज इट इज है, ये आपको दे रखा है 126, ये कितना है 90, और ये गया तो कितना बच्चा 36। वेरी गुड, दूसरा एंगल भी आपके सामने आ गया। अब मैं यहाँ पे तीसरे एंगल की बात करूंगा जो कि मैं करूंगा रजत से। रजत एंगल एफ जी ई, एफ जी ई, बेटा ये वाला एंगल जी ई कैसे निकालोगे बताओ सर? 180 माइनस कहते हैं 126, क्यों? एल ए बी का ये बिल्कुल सही। आयुष सही है, गौतम सही है, ये बात मैंने आया था किसको, गौतम को। बेटा गौतम ये 126 हमको निकाला था, हमने कहां है ये रहा ए जी ई निकाल रहा है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, किसी लाइन पे अगर एक रेड अलीनियर है तो दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो 180 में से 126 यहां पे बच जाएगा गौतम 54। ठीक है चलिए, तो एक काम कीजिए यहां पे मैं इसको साइड में यहां पे लिख देता हूं, ये वाला जो है ना वो यहां पे लिख देता हूं। चलो बताओ कैसे लिखेंगे, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल इसका नाम क्या है एफ जी ई, दोनों का सम 180। रीजन शॉर्ट में लिखेंगे लीनियर पेयर, एलपीए लीनियर पेयर ऑफ एंगल। बेटा ए जी ई हमको कितना दे रखा है 126, हमको निकालना है एफ जी ई, तो यहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा तो एंगल एफ जी ई कितना बचेगा 54 बचेगा। चलिए बच्चों सभी बच्चे नोट करेंगे आराम से, शांति से नोट कर लें सभी स्टूडेंट्स। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है। इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, बच्चों पहले तो बताओ डाउट किसका था, ये वाला किस किसका था आपका? ठीक, काफी बच्चों का था। पी क्यू पैरेलल टू एस टी, अभी तक ध्यान देंगे क्या हो गया रजत? बेटा पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये साइन दोनों पैरेलल है। बच्चों पी क्यू आर आपको बोल रखा है 110 डिग्री और यहां से आर एस टी आपको बोला है 130 डिग्री, आपको निकालना कौन सा है क्यू आर एस, ये वाला आपको एंगल निकालना है सभी को। ठीक है ध्यान दीजिए थोड़ा, यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे गिवन, बेटा गिवन में क्या है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर कितना है बच्चों, एंगल आर एस टी कितना है 130। टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है एक हम इसमें करेंगे क्या हो गया बेटा अंतिमा और ज्योति कोई बात, हम इसमें क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, सुनिएगा ध्यान से सुनिए, हम इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी दोबारा बना देता हूं, अभी भी टेढ़ी और हो रही हो तो कोई बात नहीं ऐसी बना देंगे। पी क्यू आर एस टी है लेकिन इसमें एम नहीं है तो एम डाल दिए। ठीक कंस्ट्रक्शन में बच्चों हमने क्या किया है, ये जो लाइन है ये जो रे है आर एम ये हमने बनाई है और इसको आप किसी के भी पैरेलल बना लीजिए, एस टी के पैरेलल बना लीजिए, तो ये समझने वाली बात है अंतिमा कि अगर आर एम इसके पैरेलल है तो आर एम, कल भी बताया था ये इसका भाई है और ये इसका भाई है तो ये भी आपस में दोनों भाई भाई है। ठीक है चले कंट्रोल, तो यहां से इसको एक को पैरेलल ले लो किसी के,
हमने कंस्ट्रक्शन में डाला ड्रॉ आर एम किसके पैरेलल टू एस सी, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, पहले हम टारगेट सेट करते हैं जैसा कि हम करते आ रहे हैं अभी तक। तो करण बेटा ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो आपस में ये दोनों भी पैरेलल है ना, और अगर आपस में ये दोनों पैरेलल हैं तो इसमें ये वाला जो एंगल होगा बच्चों वो इस पूरे कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। yes, sir, yes, sir. गौतम बताएंगे प्रॉपर्टी का नाम, बस गौतम ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन बोलेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर सही है। yes, पहचानने का वही तरीका, ये ट्रांसवर्सल ये लाइन दोनों को टच कर रहा है पूरा एंगल, इसका मतलब यस ये पूरा ऑल्टरनेट में है। तो बेटा ये पूरा कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा इक्वल से 110 ये भी हो जाएगा, हो जाएगा। अब अकेला अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल कितना होगा, कौन बच्चा बताएगा, कोई भी बोल दीजिए, ये वाला अकेला, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, सिर्फ ये वाला एंगल। वेरी गुड अनमोल, आपका आंसर सही था, रीजन भी बताओ सर। कोई इंटीरियर, बहुत बढ़िया, कोई इंटीरियर बच्चों, ये इसके पैरेलल है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों का सम कितना होगा, जिससे ये कितना बचेगा 50। बेटा पूरा पूरा भी आपने कितना निकाला है 110, जिसमें से ये कितना है 50, तो ये कितना बचा 60 60 डिग्री खत्म। समझ आया? चलिए तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं, हाउ टू राइट वो देखेंगे, लिखने का तरीका देखेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, हमको ये एंगल निकालना था है ना, तो एंगल निकालने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा ये लाइन इसके पैरेलल है, बताना पड़ेगा। वो बताने के लिए अच्छा इसमें और कोई तरीका भी हो सकता है, ऐसा नहीं लगेंगे, लेकिन पहले एक तरीका देखते हैं फिर दूसरे से कुछ हो रहा होगा तो वो भी देखेंगे। हाँ बच्चों ये इसके पैरेलल है लेकिन इसको भी आपको बताना पड़ेगा क्यों, पी क्यू पैरेलल टू आर एम, ये आपने लिख तो दिया लेकिन उसका रीजन भी आपको बताना पड़ेगा सिंस, क्यों, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एस टी पैरेलल टू आर एम। बेटा ये लिया है ना एस टी पैरेलल टू आर एम, पी क्यू एस टी के पैरेलल है और एस टी आर एम के, तो पी क्यू और आर एम भी आपस में पैरेलल है। अब अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके, इस पूरे एंगल का नाम बताओ पूरे का, क्यू आर एम, ये हो जाएगा एंगल क्यू आर एम, उस वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल पी क्यू आर यस जी, किससे, ऑल्टरनेट क्या हो गया तेजस, कुछ दिक्कत है, वही तो कह रहा हूँ कंफ्यूज हो गए थे तुम्हें छेदी सिंह की तरह। एंगल क्यू आर एम का ले लिया, ये हमको पी क्यू आर कितना दे रखा है 100, सबको समझ में आ गया। तो बेटा ये क्यू आर एम हमारे पास निकल के आ गया पूरा एंगल, इसको हम एक काम करते हैं अपने पास एज इट इज रख लेते हैं यहाँ पर, आगे इसका काम करेंगे। अब हमने को इंटीरियर से लगाया था इन दोनों के लिए, सिर्फ इन दोनों के लिए, बच्चों लाइन क्या लिखेंगे बताओ, नाउ क्या लिखेंगे, एस टी पैरेलल टू आर एम एंड एंड इज अ ट्रांसवर्सल, वेरी गुड, एंड एस आर या आर एस एक ही बात है, इज अ ट्रांसवर्सल। तो बच्चों इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। बेटा ऊपर वाले एंगल का नाम बताओ जरा, TSR एक ही बात है, प्लस ये वाला एंगल का नाम क्या होगा, SRM, बेटा SRM, दोनों का सम कितना, किससे, बच्चों ये कितना है 130, और बेटा SRM तो हमको निकाल रही है, तो जब ये 130 हो जाएगा माइनस होगी तो एंगल SRM कितना आ जाएगा 50, यहाँ पे ये आ गया 50, ठीक है। अब हमको ये बीच वाला एंगल निकालना है, हम निकालेंगे लेकिन पहले आप नोट कर लीजिए, जगह है नहीं है, पहले नोट कर। हाँ भाई इसके आगे देखो, हमने ये निकाल लिया SRM, अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है एंगल क्यू आर एस, बच्चों एंगल क्यू आर एस, बेटा एक बात बताओ एंगल क्यू आर एस निकाल सकते हैं, अगर हम इस पूरे एंगल में से क्यू आर एम में से एंगल क्यू आर एम में से माइनस कर दें
ये एंगल एस आर एम तो हमारे पास में ये आ जाएगा 110 और क्योंकि हमारा क्यू आर एम पूरा यही था ना, ये क्यू आर एम यही तो था पूरा इसके ऑल्टरनेट से, और ये एस आर एम नीचे कितना है 50, तो बच्चों कितना बचेगा 60, तो यहाँ पे आ गया एंगल क्यू आर एस 60 डिग्री। चलिए नोट कर लीजिए सभी बच्चे, यही इसका आंसर है, क्यू आर एस ऐसे निकलेगा। ठीक है नोट, समझ में आ गया। चलो देखो क्वेश्चन, पहले मुझे ये बताओ कि किसका डाउट है। देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, अच्छा इसमें गिवन और फाइंड लिख लेंगे आप, टू फाइंड, गिवन में कुछ नहीं लिख लेना कि ये दिया और ये दिया है, ठीक है, टू फाइंड एक्स और वाई है, टारगेट सेट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। निहुल बेटा ये जो लाइन है ए बी वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है खत्म, और बेटा आप देख रहे हैं ये ट्रांसवर्सल है पी क्यू, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा किससे, तो ये वाला भी आपका 50 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है प्रथम, ये पूरा कंप्लीट जो एंगल होगा ना, ये पूरा ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा 127, कैसे ऑल्टरनेट, तो बेटा ये वाला पूरा कंप्लीट इसके इक्वल होगा, जिसमें ये दोनों एंगल्स में टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ से वाई निकल के आ जाएगा, यस 127 माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं 2+, ऐसे इस पूरे को लिख लिया 127 को 50+ वाई तोड़ के लिख सकते हैं, इसीलिए तो वो एक अलग चीज है, एलपी अलग चीज है। चलो लिखने का तरीका देखेंगे जल्दी से, प्रथम यहाँ पे पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लें, बच्चों लिखने का तरीका देख लीजिएगा और आप भी लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बेटा इसके लिए है पी क्यू, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, अगर ऐसा है देयरफॉर जो एक्स है ये वाला एंगल वो एंगल ए पी क्यू के इक्वल है, ए पी क्यू सही है, इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे हमको ये कितना दे रखा है 50 डिग्री, ये लीजिए तो हमारे पास ये निकल के आ गया 50, सबको समझ में आ गया। दूसरा ले लेते हैं अगेन, हाँ भाई ये फिर से लिखना पड़ेगा क्या, AB parallel to CD and क्योंकि transversal change हो चुकी है, transversal ये है PR and PR is a transversal, और अगर ऐसा है therefore यहाँ पे आपके पास ये पूरा complete angle APR, APR is equal to हो जाएगा angle, नाम लिखोगे ना PRD, angle PRD, बच्चों APR कितना है हमारे पास 50+y, और ये कितना है, लेकिन इसका क्या करेंगे हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर, रीजन भी तो लिखना पड़ेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो बेटा यहाँ से ये हो जाएगा 127 माइनस 50, तो y कितना आ गया बेटा, ये आपका 07 और 12 में से 5 गए तो 7, हाँ 77, ठीक है बिल्कुल सही है, गुड, ये लीजिए तो y आपका निकल के आ गया और x निकल के आ गया, सभी बच्चों को समझ में आया, कोई डाउट कोई परेशानी लिखिए, चलिए ठीक है।